अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कराते रहिए इन्हीं प्यारी दुआओं के साथ। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, तो आज हम बनाएंगे आलू कीमे की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए जी, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी, मैंने यहाँ पर चॉपर ले लिया। इसमें मैंने जो प्याज है वो पहले से चॉप कर लिया, 3 से 4 अदद मैंने मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए थे। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। जी हाँ, टमाटर को यहाँ पर मैं पेस्ट बना लूँगी, चॉप कर लूँगी बल्कि, ठीक है। और इसके अंदर हम हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे और ये बहुत ही मज़े का कीमा बनता है। और सारी चीज़ें जो से मैं इसमें चॉप कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम था और मैंने जल्दी जल्दी जो सा है वो आलू कीमा बनाना था, तो इसलिए मैं जो सा ना चॉपर में कर रही हूँ। तो बस हम इसको चॉप कर लेंगे तमाम चीज़ों को। प्याज हमने पहले कर लिया, टमाटर मिर्ची हम अभी कर लेंगे और इसके बाद जी हम लहसुन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत मज़े का इसका एक टमाटर का पेस्ट जो सा है वो पेस्ट की शेप में तैयार हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ये चॉपर है और ये हर घर में होना चाहिए। इससे कुकिंग करना बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत कम टाइम में, बहुत मतलब आप जल्दी से बना सकते हो। अगर आपके गेस्ट वगैरह आ जाएं तो झटपट से बस चॉप की हर चीज़ और मसाला बना लिया। तो बस यहाँ पर जी चॉपर का काम हो गया है ख़त्म। और अब हम यहाँ पर एक मैंने मिट्टी की हांडी ले ली है और इसके अंदर में से मैंने शामिल कर दिया जी प्याज जो मैंने चॉप किया हुआ था बारीक चॉप। इसमें ऑयल शामिल करेंगे और इसको पका लेंगे। थोड़ा सा सुनहरी सा होने लग गया था इसके अंदर, लहसुन चॉप करके रखा हुआ था, लहसुन डाल देंगे, ठीक है। इसमें मसाले को ज़्यादा इसकी बुनाई वगैरह को नहीं करते, बस लहसुन डालेंगे, इसको दोबारा से मिक्स करेंगे और चीज़ों के साथ पकाएंगे। अब यहाँ पर इसका कलर देखें, गोल्डन सा हो चुका है। फिर इसमें टमाटर शामिल करेंगे। ये जो टमाटर का पेस्ट हमने बना के रखा है ये शामिल कर देंगे इसके अंदर। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे, जिसमें है कि ये खुश्क धनिया, वन टेबल स्पून के करीब खुश्क धनिया शामिल करेंगे। अब इसमें जाएगा जीरा, जीरा शामिल करेंगे। इसमें शामिल करेंगे नमक, हंसते जरूर साथ ही इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर हाफ टेबल स्पून, वन टेबल स्पून। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी सूख मिर्च भी शामिल कर देंगे। इन तमाम मसालों को हम मिक्स करेंगे तरीके से। और फिर इसकी नतीज हम बनाए करेंगे। अब हम इसमें कीमा शामिल करेंगे, कीमे की हम बुनाई करेंगे। कीमा शामिल किया, यहाँ पर हम कीमे की बुनाई करेंगे और ये थोड़ा सा कम डाला है मैंने इसमें।
यहाँ पर मैंने इसमें पानी जो है वो शामिल कर दिया, ठीक है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे और बिल्कुल देखिए आप इसके अंदर पानी, ठीक है, इतना तकरीबन 1.5 गिलास हमने इसके अंदर पानी शामिल किया और अब हम इसको कवर करके रख देंगे। बस अब हम इसको कवर कर देंगे इस तरह, ये देखें बहुत ज़बरदस्त ठंडी, आप ही ऐसी लें, बहुत मज़े की इसमें सालन वगैरह बहुत मज़े का बनता है। पानी इसके अंदर बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब हम इसको भुनाई करेंगे। थोड़े से मैंने इसमें आलू भी शामिल कर दिए थे क्योंकि आलू से जो है बड़ा अच्छी इसके लिए पड़ती है, बड़े मज़े के कीमा आलू बनानी है, आलू कीमा बोल रहे हैं, कीमा आलू बोल रहे हैं, इसकी बुनाई करेंगे हम। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर मज़ेदार आलू कीमा जो है तैयार हो चुके हैं। आलू मैंने इसमें बाद में ऐड किए थे, जब कीमे के अंदर थोड़ा सा पानी रह गया था तो मैंने इसमें आलू भी ऐड कर दिए क्योंकि आलू से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है, मज़े के लगते हैं। तो आप इसको चपाती के साथ भी ले सकते हैं, इसके अलावा पराठे के साथ भी ये बहुत मज़ा देती है। तो आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी आपको मेरी रेसिपी। बहुत टाइम के बाद आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको फुल वॉच करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में एक।